अब हमने एरर को डिटेक्ट करना है। देखो सबसे पहले जब हमने एरर को फाइंड आउट करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एरर किस किस टाइप का हो सकता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ये जो एरर्स दे रखे हैं डबल साइडेड एरर है। सबसे पहला एरर होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओमिशन हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। ओमिट ओमिटेड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, यानी कि ना हमने उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को डेबिट किया है ना ही हमने उसको क्रेडिट किया है, यानी डबल साइडेड इफेक्ट पड़ रहा है। एरर ऑफ ओमिशन का ये मतलब हुआ हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। देन एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि हमने एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी लेकिन एंट्री को हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया। जैसे अगर 5400 अमाउंट डालनी थी तो हमने 4500 डाल दी अमाउंट, अमाउंट को ही हमने यानी डेबिट किया वो भी 4500 से और क्रेडिट भी सेम से, तो इफेक्ट दोनों साइड से हो रहा है। देन उसके बाद कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर क्या होते हैं कि हमने इस तरीके का एरर कर दिया जो कि एक दो दोनों एंट्री में हमने गड़बड़ की और वो दोनों एंट्री यानी इफेक्ट कंपनसेट कर रही हैं वो एक दूसरे को। जैसे कि अगर हमने दो एंट्री की और दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जैसे अगर हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू मूवमेंट अकाउंट किया और एंट्री हमने 500 से करनी थी और ये 200 से करनी थी, हमने क्या किया इसको 200 से कर दिया और इसको 500 से कर दिया, तो हमने कंपनसेट कर दिया। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ये डबल साइडेड एरर्स हैं जिनको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये दोनों साइड ही जो है मिस्टेक शो करते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है? जो प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया उस प्रिंसिपल में ही एरर है, उसमें ही मिस्टेक है, यानी प्रिंसिपल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वही हमने गड़बड़ कर दी। कैसे? जैसे हम कई बार ये होता है ना, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिए, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग बनाई है उसको जब भी हमने जैसे कंस्ट्रक्ट किया तो जितने भी उस पर एक्सपेंसेस आ रहे जब तक वो बन रही है पूरी प्रिपेयर नहीं होगी तो कुछ एक्सपेंसेस पे आया और उसने हम क्या किया उस जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर हम कोई मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं तब कोई एक्सपेंसेस पे लग रहा है तो वो कैपिटल नेचर का, लेकिन हमने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया और हमने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही हमने अगर रेंट अकाउंट का रेंट को हमने कैपिटल मान लिया, कैपिटल नेचर का मान लिया, तो हम इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हमारा एक्सपेंस होता है जैसे रेंट है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंस मान के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसके बाद एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का क्या मतलब है? जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की, एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर दी लेकिन उसी को दो बार रिकॉर्ड कर दिया, ट्वाइस भी रिकॉर्ड करना है किसी ट्रांजेक्शन को। जैसे अगर बिजनेस ने किसी चीज़ को परचेज किया, बाय चांस मोहन से परचेज किया, तो जितने भी उसकी परचेज की एंट्री थी डबल बार शो कर दी कि परचेजेस टू मोहन, दो बार सेम अमाउंट से हम उसको शो कर रहे हैं, तो वो एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो जाएगा, एरर हो जाएगा।